एम्बर की लाइफ कुछ खास बिजी नहीं है। वो एक होनहार आर्टिस्ट है। वो बहुत कुछ बनाती है और उसे अपने तक ही रखती है। पर फिर रूबी आ गई, तो उस अजीब अमीर लड़की ने एम्बर की लाइफ बदल दी। वो हर कीमत पर रूबी की दोस्त बनना चाहती है। एक अमीर लड़की की अटेंशन पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खुद अमीर हो जाओ। एम्बर अपने पैसों का दिखावा करके रूबी की अटेंशन पाने को तैयार है। अब उसे पैसों से अपना चेहरा छिपाकर यहाँ से भागना होगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो शायद उससे एम्बर को अपने मिशन पूरा करने में आसानी होगी। पहली कोशिश के बाद एम्बर को रूबी का ध्यान बनाए रखना होगा। वो एम्बर को देखकर खुश है। अच्छी इयररिंग्स है। एम्बर ने भी उन पर ध्यान दिया और उसे समझ आया कि उसे भी वैसी ही लेनी चाहिए। पर वो गोल्ड इयररिंग्स लेगी कैसे? उसे गोल्ड की जरूरत है और उसे पता है कि वो कहाँ से मिलेगा। शायद विश्वास करना मुश्किल हो, पर एम्बर एक अच्छी एथलीट है। ये उसका छोटा सा सीक्रेट है और वो पहले भी गोल्ड जीत चुकी है। अब उसके पास गोल्ड इयररिंग्स है। रूबी को ये बहुत पसंद आएंगे। खैर अब ये ट्रेंडी नहीं रहे। जब एम्बर गोल्ड लेने गई थी, उसकी जगह पर सिल्वर ट्रेंडी बन गया। अगर एम्बर साथ रहना चाहती है तो उसे जल्दी करनी होगी। आर्ट स्कूल बढ़िया है, लेकिन एम्बर के पास एक नया फोन लेने के भी पैसे नहीं है। वो अभी अपनी ग्रैंडमा का इस्तेमाल करती है। अब तक ये सब सही था, पर अब उसके लाइफ में रूबी है और वो इस पुरानी चीज से इम्प्रेस नहीं होगी। उसे अपने दोस्त की बराबरी करनी होगी। यही एम्बर भी सोच रही थी। ये समय क्रिएटिव बनकर DIY करने का है। उसने एक केस बनाया है जो उसकी गरीबी छुपाने में मदद करेगा। केस बढ़िया दिख रहा है। हेलो एम्बर अपने नए केस को शो ऑफ करने से खुद को रोक नहीं पा रही। पर ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। एम्बर हमेशा से अमीर बनना चाहती थी और खासकर वो रूबी की तरह एक अमीर दोस्त बनाना चाहती थी। अब एम्बर नहीं रुक सकती। वो रूबी के साथ रहने के लिए झूठ पर झूठ बोलती रहेगी। उसने अमीर दिखने के लिए अपना बैग तक ठीक कर लिया। ये आज तक का सबसे बढ़िया ब्रांड क्रॉसओवर है। रूबी ने इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा, इसलिए वो हैरान है। वो इस बैग से ही नहीं, पर एम्बर के हाथों से भी। वो उसके झूठ से गंदे हो गए। एक झूठ छिपाने के लिए हमें कई झूठ बोलने पड़ते हैं। एम्बर झूठ की हद पर है, पर अभी भी सब ठीक करने का मौका है। पर क्या वो करेगी? रूबी ने उसे शॉपिंग के लिए इनवाइट किया है। इस स्टोर का सामान काफी ज्यादा महंगा है। अगर एम्बर ने साल भर भी पैसे जोड़े होते, तभी वो उनसे एक छोटा सा स्वेटर नहीं खरीद पाती। एम्बर ने रूबी को हैरान कर दिया। वो सारे कपड़े लेकर उन्हें ट्राई करने के लिए गई और फोटोज लेने लग गई। पर वो उदास होकर बाहर आई और अपनी दोस्त से कहा कि उसे कुछ भी फिट नहीं हुआ। और फिर जैसे ही उसे मौका मिला, उसने फैंसी कपड़ों वाली सारी पिक्स पोस्ट कर दी। एम्बर एक बहुत क्रिएटिव लड़की है। जरा उसे देखो, वो इतनी क्रिएटिव है कि वो पास्ता से एक्सेसरीज भी बना सकती है। बहुत क्रिएटिव है ना? एडिबल एक्सेसरीज एक अच्छा आइडिया है। रूबी का डॉग भी ये मानता है। एम्बर बस ये उम्मीद कर रही है कि भूखा पपी ठीक हो। बाय। और रूबी ध्यान नहीं देगी। हालांकि अब तो उसे शक हो जाना चाहिए। जब रूबी ने घर आने का कहा, तब एम्बर को काफी परेशानी हुई। वो सच में चौंक गई। बस घबराओ मत और कुछ अलग सोचो। एम्बर इन कामों में अच्छी है।
किस्मत से उसे बेल मिल गई और एम्बर के डैड ने भी उसका बटलर बनने का अच्छा नाटक किया। थैंक्स। बेहतरीन टीमवर्क। पर एम्बर इससे ऐसे ही नहीं बचेगी, उसे अपने डैड को पे करना होगा। और क्योंकि उसके डैड बटलर बने थे, अब एम्बर को मेड बनकर सारी डिशेस धोनी होंगी। बढ़िया डील थी। एम्बर ने सोचा भी नहीं था कि अमीर होने का नाटक करना इतना मुश्किल होगा, खासकर जब बात खाने की हो। ये रेस्टोरेंट काफी महंगे हैं। एम्बर ने गलती से सारी सबसे महंगी डिशेस ऑर्डर कर दी। Yes, I really like. Thanks. रूबी इतना खाना देखकर हैरान हो गई और एम्बर इन सबके पैसे नहीं देना चाहती, तो उसे कुछ देर के लिए जाना पड़ा और वो किसी चमत्कार की उम्मीद करने लगी, पर चमत्कार अभी तक नहीं हुआ। एम्बर अब भी बाथरूम में छिपी हुई है। रूबी सच में जाना चाहती है और वो एक जरूरी मीटिंग के लिए लेट हो रही है, तो उसने बस बिल दिया और चली गई। बढ़िया। अब एम्बर बाहर आई तो उसे थोड़ा बुरा लगा, पर उसे भूख भी लगी थी। इन सबको वेस्ट क्यों करना, वो बस खाएगी और उम्मीद करेगी रूबी ना लौटे। एम्बर थोड़ी सी अजीब है, तब भी रूबी को उसके साथ समय बिताने में मजा आता है और एम्बर उसकी अमीर मिस्ट्री बनने का भी अच्छा नाटक करती है। वो गोल्ड वाटर भी ले आई। जब बॉटल को फेंकने का समय आया, एम्बर ने दिखाया कि उसे एनवायरनमेंट की परवाह है। मैं जाकर सही रिसाइकलिंग बिन ढूंढती हूँ। वो घर गई और बॉटल धो दी। ये कोई आम प्लास्टिक बॉटल नहीं है, ये तो खानदानी विरासत है। चलो ये इको फ्रेंडली तो है। रूबी ने एम्बर को एक पार्टी में बुलाया है और उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। ये समय फिर क्रिएटिव होने का है। एम्बर को लगता है कि इस बार वो पर्दे इस्तेमाल करेगी। असल में ये फैशनेबल दिखता है। सभी लोग काफी इम्प्रेस होंगे। सभी लोग हैरान रह जाते, पर बस उसकी ड्रेस में ये बड़ी प्रॉब्लम ना होती तो। अगर सभी को पता चल गया तो उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि उसने झूठ बोला। वो डांस करना चाहती है पर वो नहीं कर सकती। उसकी ड्रेस बस आधी ही बनी है क्योंकि दरअसल पर्दे काफी छोटे थे और उसके पास बस फ्रंट के लिए ही कपड़ा था। तो जब तक पार्टी खत्म नहीं हुई और सभी गए नहीं, तब तक एम्बर उठी ही नहीं। कोई बात नहीं, और पार्टीज भी होंगी। जब रूबी उसे गोल्ड बीच पर बुलाती है तो उसे उससे छिपना पड़ता है। अमीर लोग अजीब होते हैं। रूबी के पास एक गोल्ड लाइफ रिंग है, पर एम्बर के पास एक इनर ट्यूब है जिसे एक दिन उसके डैड लाए थे, ये सोचकर कि वो एक दिन पूरी कार भी खरीद लेंगे। नहीं, मैं बीच पर नहीं आ सकती। रूबी एम्बर को मिस करती है। वो इस बारे में बहुत पोस्ट करती है, पर काफी अजीब तरीके से। वो पैसों पर पोस्ट कर रही है। एम्बर को जवाब देना होगा, उसे अपना झूठ बनाए रखना होगा चाहे जो भी हो। एम्बर का झूठ कंट्रोल से बाहर हो रहा है। ये गोल्ड रैट सैंडविच रूबी को गोल्ड बार जैसा लगा। अब एम्बर जानती है वो सैंडविच को अनरैप भी नहीं कर सकती। रूबी को निराश करने से अच्छा है कि वो भूखी रह ले। चलो ठीक है, वो सैंडविच को एक गोल्ड बार और पंखे की तरह इस्तेमाल कर रही है, पर उसने उसे इतना हिलाया कि केचप बाहर आ गया और डेट पर आए एक लड़के को लगा। अब ये एक हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। उसे एम्बर के साथ मिलकर नाटक करना होगा कि रेस्टोरेंट में उसका कार एक्सीडेंट हो गया और जरूर वो पे करेगी। उसे जोर से लग सकती थी, पर एम्बर ने उसे बचाया क्योंकि वो अमीर है। तब भी उसका दिल बहुत बड़ा है। एम्बर रूबी की हीरो है, पर
एम्बर असल में अमीर नहीं है, वो शायद अपनी पेंटिंग कभी पूरी ना कर पाती। अगर एक अमीर लड़की उसकी पेंटिंग देखकर हैरान नहीं हुई होती तो मैं इसके लिए कुछ भी पे कर दूंगी। एम्बर काफी खुश है, पर ये पैसे नकली हैं। पर ये बहुत गलत है। क्या आपको हमारी नई कहानी पसंद आई? आपका पसंदीदा पार्ट कौन सा था हमें कमेंट्स में बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ट्रूम ट्रूम की कोई भी नई वीडियो मिस ना करें।